आलो क्या दो, ये ट्रैक्टर कैसे पलटा? टायर तक गया। अच्छा, क्या लोड था इसमें? बालू। ये कहाँ पर पड़ता है? ये कौन रोड है? हाईवे बारेज और रेवसा मार्ग। अच्छा रोड। कोई चोटिल तो नहीं हुआ? ड्राइवर चोटिल हुआ। अच्छा, इस बच्चे से हमने बातचीत की और इस बच्चे ने पूरी जानकारी दी कि टायर लगने से हादसा हुआ और इसका चालक चोटिल हुआ। अच्छा, दब गया था, फिर निकाले कैसे उसको? हाँ। अच्छा, फिर मतलब राहगीरों ग्रामीणों के द्वारा निकाला गया। क्या नाम है जिसका जो चोटिल हुआ है उसका क्या नाम? जो चोटिल हुआ है उसका क्या नाम जो दब गया था? एहसान। की गल लिखा है? इश्तियाक महमूदपुर के। अच्छा अच्छा, नहीं और चला को रहा था? वही चला रहा था एहसान। अच्छा अच्छा, और कोई अकेले था? अकेले। अच्छा अच्छा, जानकारी लेंगे कि कैसे क्या हुआ है। और कोई लड़का रहा है वो हमका जानकारी? अच्छा, आपका लड़का रहे चला रहा है? ट्रैक्टर मालिक आप है? ट्रैक्टर मालिक भतीजा। अच्छा भतीजा, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? इलियास। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ लिए जा रहे थे आप ट्रैक्टर? बालू। अच्छा, कहाँ कह रहे हैं ट्रैक्टर यू? सीतापुर। कौन गांव? महमूदपुर। थाना कौन लगा था? खैराबाद। ये कई बजे पलटा है? कई बजे पलटा है ये? कल। अच्छा अच्छा, आप क्या क्या नाम है? इलियास। आपका लड़का रहे, कोई चोट वोट तो नहीं आई? अच्छा, चोट वोट नहीं लगी उसकी? चोट लगी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब पलटा कैसे है? मतलब अच्छा, ट्रक की साइड लगने से? नहीं तो इसके तो दोनों पहिए भी लगी हैं। लगभग कितनी बार उलदी होगी इसमें? कई रुपये? अच्छा, राल्टी वगैरह कितनी कितने के रही है बार हुआ? 3200 की। कुल कितना खर्चा आएगा? कुल वह लड़के बताइए कत्ता का खर्चा। अच्छा अच्छा, महमूदपुर आप रहा था? तो मोड़ी बिल्कुल सामने आ गया, तो एकदम मोड़ी जी से, तो जब मोड़ी गवा एकदम से नहीं है तो टायर दब गया। दोनों पैदल दोनों पहिए तक गए? एक टायर दबा। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये बालू से ओवरलोड ट्रैक्टर है, स्वराज 735 FE, और ये सीतापुर बहराइच मार्ग पर की घटना है, जहां पर इस ट्रैक्टर का पहिया अचानक दग जाने की वजह से ये अनियंत्रित होकर पलटा है और इसके दोनों पहिया दगी हैं पिछड़ा। बहुत एक लंबा हादसा होने से बचा है बड़ा, आप लोग देख सकते हैं जिस हिसाब से इसके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
किस प्रकार से निर्धारित के ऊपर सरकार उस पर जो है बार लोड है ओवर लोडिंग और ये ट्रैक्टर अचानक कल पलटा है। तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये स्वराज ट्रैक्टर है और ये परसपुर के पास और भरथा के बीच में अचानक टायर दगने से ये पलट गया है और इसका एहसान एक ड्राइवर जो चालक था वो गंभीर रूप से इसके नीचे दब गया और दबने के बाद इसको स्थानीय राहगीरों और ग्रामीणों के द्वारा इसको निकाला गया और वो गंभीर अवस्था में उसको कहीं भर्ती कराया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो सरकार की मंशाएँ हैं और निर्धारित मात्रा के ऊपर ओवरलोड है और ये थाना खैराबाद के ग्राम महमूदपुर का ट्रैक्टर है जो कि यहाँ अवैध बालू से हो रहे जो खनन हो रहा है गोलोकोड़ में वहीं से ये बालू लिए जा रहा था। देख सकते हैं कि ये तस्वीर जिस हिसाब से ये तस्वीर बयां कर रही है अपने आप में ये पता खुद बयां कर रही है कि किस हिसाब से ये हादसा हुआ है और इसके नीचे इसका चालक दब गया और दबने के बाद इसको कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों के द्वारा जो है उसको निकाला गया है और गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यहाँ पे उनके मालिक इस ट्रैक्टर के इलियास भाई यहाँ पे मौजूद हैं और थोड़ा सा हम उनसे बात भी करेंगे कि कैसे क्या हुआ है। आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी देंगे कि कैसे क्या हुआ है, कहाँ उसको भर्ती कराया गया है, क्या हालात हैं उसके। लेकिन जो हादसा हुआ है वो गनीमत रहे कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से ये एक इनके बताने के अनुसार यहाँ पे एक ट्रक ने इसको ओवरटेकिंग में जो है साइड में ठोकर मार दी है जो बता रहे हैं उसी हिसाब से तभी ये हादसा हुआ है और इसके पहिया दगने से हुआ है जो आम जनमानस में चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करते हैं इलियास भाई जो यहाँ के इस ट्रैक्टर के मालिक हैं क्योंकि वो सूचना पर यहाँ पहुँच गए हैं। जो इसका जो ये चालक था जो गंभीर अवस्था में घायल हुआ है उसको भर्ती कहाँ कराया गया? प्राइवेट में भर्ती कराया गया। यहाँ स्थानीय अस्पताल में नहीं दिखाया गया? यहाँ पहले दिखाया गया, कल शाम को दिखाया गया सरकारी अस्पताल में। हल्का फायदा हुआ रहे। हाँ जो कुछ सीता भी लिए गए। नहीं तो क्या कोई टूट टूट गया है? नहीं टूटा तो नहीं है, अभी एक्सरे हो तो पता चला। अच्छा अच्छा, मतलब लुंज हो गया है क्या? वो चल नहीं पाता है। अच्छा अच्छा, दब गया था इसके नीचे। क्या नाम था उसका? किसका लड़का था वो? इश्तिया का लड़का था। कहाँ के निवासी हैं? महमूदपुर। थाना कौन लगता है? खैराबाद। तो चप्पल फंस गए पाइप में। पाइप में है, वहाँ फंस गया। फंस गया ना फंसा नहीं। आज किस ट्रेन में फेल हुआ है? ट्रेन में फेल हुआ है। मारिस साइड मारिस आज मारिस मारिस।